इसमें दो बातें हैं। एक तो जो पहले भी बीमारी वाले थे, मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी हो उनको नॉर्मल एक हेल्थी इंसान से ज़्यादा खतरा है, ख़ास करके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी और लिवर, इन चीज़ों से जो पीड़ित हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मगर उनको वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। उनको वैक्सीन से कोई ऐसा खतरा नहीं है, एक ये जो भ्रम फैला हुआ है कि उनको वैक्सीन भी शायद ना लगाएं, उनको मैं खारिज करना चाहता हूँ। हाँ, अब जैसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या है, अगर एक डायबिटिक का मरीज़ है तो उनको डायबिटीज़ अपनी पूरी तरह से कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा आहार लेना पड़ेगा, और जो सोना है और रेस्ट जो है वो भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। एक मैं बात यहाँ पर और करना चाहता हूँ कि घर के अंदर जो हम कमरे बंद करके बैठते हैं ना, वहाँ पर भी ये जो कीटाणु है वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो घर की खिड़कियों को थोड़ा खोलें ताकि बाहर की हवा जो है वो भी आपको कमरे के अंदर आए, और सुबह के टाइम पे खास करके 9 से 11 के बीच में जो सन है उसमें बैठें, जितना शरीर अपना डायरेक्ट सनलाइट को फेस करेगा उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, और दूसरा जो ये देखा गया है कि इसमें जो है ब्लड क्लॉट्स के संबंधित भी ये जो लक्षण पाए जा रहे हैं, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनमें ये जो ब्लड क्लॉट्स होना या ब्लीडिंग होना, स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, इनके संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है।